दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्स में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सामने एक पोर्ट है जो कि छत पर रखा हुआ है, और इस पोर्ट के अंदर हम जो गोल जो कद्दू आता है जो घिया जैसा है उसको हम लगाएंगे, और उसके कुछ सीड्स मेरे पास है, ये देखिए। तो मैं इसके अंदर दो सीड्स लगाऊंगा सिर्फ, और इसको हम छत के ऊपर लगाएंगे ताकि छत पे इसके बेल को फैला दें, और इस पे काफ़ी अच्छे से जो फ्रूट है वो आते हैं। ये हमने पहले काफ़ी बार लगा चुके हैं हम, और हम क्या करते हैं इसको एक ट्री पे लगा देते हैं तो काफ़ी इस पे फ्रूटिंग होती है। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ इसको छत पे हम ग्रो करके देखें। तो ये सामने जो पोट है इसके अंदर मैंने नॉर्मल जो खेत की मिट्टी है वो डाल रखी है, लेकिन यहाँ पे धूप तेज है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा जो ये कोकोपीट और गोबर की खाद है ये भी ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा, जो सीड्स है वो ड्राई नहीं होगा, और सीड्स के पास जब सीडलिंग तैयार होगी तो नमी बनी रहेगी। दोस्तों, मिट्टी को जो सीड्स लगाने में पहले नरम जरूर कर ले, तो मैंने खुरपी से इसको बिल्कुल नरम कर लिया था, और ये देखिए अब तैयार है। अब इसमें हम जो सीड्स है वो लगा देंगे। तो मैं इसके अंदर दो सीड्स लगाऊंगा, बाई चांस एक सीड नहीं ग्रो होता है तो दूसरा सीड ग्रो हो जाए तो इसको हम कर देंगे, और एक को बाद में, अगर दोनों ग्रो हो गए तो एक को मैं बाद में निकाल दूंगा, सिर्फ एक सीड यहाँ पे रखूंगा। इसको हमें ज़्यादा गहराई में नहीं रखना है, सिर्फ इतना रखना है, उसके बाद ऊपर से इससे कवर कर देंगे। ओके दोस्तों, ये हमने कवर कर दिया है। इसके अंदर मैं कुछ जो सीड्स हैं खीरे के भी लगाऊंगा, बिकॉज खीरे की जो बेल है वो नीचे की साइड फैला देंगे, और जो कद्दू की जो है वो हम ऊपर की साइड ग्रो करेंगे। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं, तीन से चार जो बेल है वो इसके साइडों में इस तरह से हम चार बेल खीरे की लगा देंगे। इसके बाद जो ये जो कम जो गोबर की खाद और कोकोपीट का जो मिक्सचर है ये हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। एक परत इसके बना देंगे। ओके दोस्तों, अब इसमें वाटरिंग कर देंगे। ओके दोस्तों, अब मैं इसको यहीं पे ग्रो होने के लिए छोड़ दूंगा, और इसकी अपडेट के साथ आपको दोबारा मिल। दोस्तों, जो हमने यहाँ पे कुछ खीरे के और जो गोल कद्दू है उसके सीड्स लगाए थे, देखिए वो सभी अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं। देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, आई थिंक ये कद्दू का है जो ये ग्रो कर रहा है ये, और एक यहाँ पे देखिए आपको जो सोइल है देखिए किस तरह से हो रहा है, इसका कारण यहाँ पे एक सीड्स जो है जर्मिनेट होने वाला है। उसने जो सोइल है उसको देखिए तोड़ दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ हल्का सा। ये देखिए जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसकी ताकत देखिए कितनी होती है, जो सोइल है उसको सब पूरे को हटा दिया। ये देखिए इतना इतना सोइल इसने पूरा हटा के अब ये ग्रो करेगा। ओके दोस्तों, अभी हम इसको और ग्रो होने देंगे, मैं इसकी अपडेट आपको देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।